इस टाइप का प्रदर्शित हुआ, जैसे लगा कि भूकंप टाइप से आ गया और गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जाने लगी। हम तो ऊपर सोए हुए थे, अब अचानक कंपन टाइप का होने लगा। बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन पर बुधवार रात को एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आनंद विहार से आ रही कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गई। इस दौरान ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने पूरा हाल बताया है। हम लोग सफर कर रहे थे, खाना खा के अपना घर में बातचीत कर रहे थे, उसी समय ट्रेन में बिल्कुल आवाज चेंज होके आवाज आई, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आई। तो स्पीड में थी या हाँ, स्पीड में तो थी, 70-80 की जैसी स्पीड रही होगी, तो आवाज आई। उसी समय हम लोगों को लगा कि कुछ हुआ, तो हम लोग सीट से स्लीपर में थे, हम स्लीपर से उठ के अपना खड़े हुए। खड़े होने के बाद अपना देखे कि सीट जो है, लगा कि ट्रेन ऐसा लहर मार रही थी, पटरी से उतर चुकी है, तो हम लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद लगा कि जो है ट्रेन पलटने वाली है। खड़े होने जैसे हुए तो आगे जो है इमरजेंसी ब्रेक लगी, उसी में गाड़ी तो रुक गई, लेकिन हम लोगों की जो स्लीपर कोच जो थे वो सुरक्षित थे, क्योंकि प्लेटफार्म पे जाके वो उसी में टिक गए जाते हैं, उसी में हम लोग सुरक्षित। कितने बजे के आसपास की घटना है? ये 9:30-10 के आसपास की है, 9:30-10 बजे के आसपास की। नहीं, उसमें किसी की डेथ नहीं हुई। जब एक्सीडेंट हुआ तो इस टाइप का प्रदर्शित हुआ, जैसे लगा कि भूकंप टाइप से आ गया और गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जाने लगी। तो हमारे साथ जो बैठे लोग थे, जब झटका लगा तो लोग इधर से उधर लड़ना शुरू कर दिए, और आगे के जब बोगी पलटी हो गया, 4-5 बोगी, तो हमारे डब्बे में 2-3 लोग थे जिनके पैर कटे हुए थे, उनको कंधे में चोट आ गया है और हाथ में चोट आ गया है, और बिजली का तार बगल में जो है, हाँ, बिजली का तार पूरा गिर गया, करंट फैल गया था। और हम तो उस टाइम पे वहाँ पे उतरे हैं, 4-5 लोगों को बचाने का भी काम किए हैं जितना हमसे हो सका है, और उसके बाद कोशिश की है किसी को करंट ना लगे। गांव के लोग जो भी यहाँ के थे, समाज के, इस रामनाथपुर के सभी लोगों ने बहुत हेल्प किया है, हर चीज से बहुत मदद किया है। समय रहते हुए बगल में चिकित्सा केंद्र था, उसके वजह से भी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है इन जो हादसा होना था उससे बहुत राहत मिला है। सोए हुए थे, अब अचानक कंपन टाइप का होने लगा, और धीरे धीरे मतलब ट्रेन लगा कि मतलब एक तरफा गिरने लगा। उसके बाद मैं भी गिरा ऊपर से, ऊपर में सोया था, गिरा नीचे धाम से ना गिरा, फिर ट्रेन रुकी। रुकने के बाद फिर अब हम लोग जितने भी बंदे थे आपस में मतलब उतरना शुरू किए, और यहाँ के जो लोकल जो आदमी थे उन्होंने बहुत मदद किया, वो तुरंत पहुँचे और हम लोगों को मदद किए, पूरे सामान उमान आदमी को पूरे मतलब निकाले हम लोगों को। क्या उस बोगी में जिसमें आपको कुछ लोग कैजुअल्टी में हुई क्या? नहीं, उसमें कैजुअल्टी नहीं हुई, उसमें चोटें लगी हैं, चोटें तो सबको लगी। आपको बता दें कि ट्रेन की पटरियों को बोगी पर से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। क्रेन के जरिए बोगियों को पटरी पर से हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार बहाली में लगी हुई है।